आपने कई स्कूल और कॉलेज तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा स्कूल देखा है जिसमें बच्चे अपनी शिक्षा वेद पुराणों की ले रहे हों और वह भी बिल्कुल मुफ्त? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोरा जनपद में संचालित वैदिक संस्कृत पाठशाला की, जिसमें बच्चे प्रतिदिन निःशुल्क वैदिक संस्कृत पाठशाला में वेद, ज्योतिष शास्त्र, उपनिषद, सांख्य शास्त्र, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं। बता दें कि यह बच्चे प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्म से फ्री होकर योगा करते हैं। बाद में यह भगवान की पूजा अर्चना में लग जाते हैं, जिसके बाद इनकी वैदिक पाठशाला शुरू हो जाती है और इन बच्चों को सभी प्रकार के पाठ, चाहे वह गणेश पाठ, महादेव पाठ, दुर्गा पाठ या कोई भी अन्य पाठ हो, सिखाए जाते हैं। आसपास के कई लोग इस प्रकार की शिक्षा में रुचि ले रहे हैं और यह पाठशाला निरंतर चल रही है। बता दें कि यह बच्चे अपने घर बार को छोड़कर गुरुकुल में ही रहते हैं और यहीं अपना सारा काम करते हैं, चाहे वह पढ़ाई लिखाई और कपड़े धोना इत्यादि हो और चाहे वैदिक संस्कृति का ज्ञान हो। इसमें इस प्रकार की इकलौती पाठशाला है जो संचालित हो रही है। इसके अलावा ज़िले में कोई भी इस प्रकार की पाठशाला नहीं है जहां वैदिक संस्कृत का ज्ञान दिया जाता हो। श्री मनसापूर्ण मन कामनेश्वर वैदिक पाठशाला है। श्री इसी वर्ष प्रारंभ हुई। श्री सुप्रीम कोर्ट जज श्री जे के माहेश्वरी जी ने यह विद्यालय का शुभारंभ किया। इसमें कलेक्टर एवं सभी यहाँ पर विराजमान हुए थे। सभी सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज सभी यहाँ पर आकर के और सभी ने यहाँ पर विद्यालय का शुभारंभ किया था एवं आसपास क्षेत्र के सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर वेद पाठशाला चलती है, वैदिक पाठशाला चलती है। वेद के सनातन धर्म की रक्षा के लिए वेद की एवं हमारे सब जो ऋषिगण हैं, ऋषिगणों ने जो वेद बनाए हैं, जो हमारे शास्त्र बनाए हैं, ज्योतिष शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है एवं उपनिषद है, वेद है, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्नी शाखा यहाँ पर पढ़ाई जाती है। चार वेद हमारे सनातन धर्म में विराजमान है। चारों वेदों में से एक ही वेद हम श्री शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्नी शाखा यहाँ पर पढ़ाई जाती है एवं श्री गणेश जी के उत्सव के अंतर्गत श्री गणेश अथर्वशीर्ष पाठ एवं श्री सुक्त महालक्ष्मी जी के लिए पाठ, भगवान श्री रामचंद्र महाप्रभु जी के लिए पाठ एवं श्री मनसापूर्ण मनकामनेश्वर भगवान जी के लिए यहाँ पर नित्य पाठ भी किया जाता है और आसपास क्षेत्र के सभी विद्यार्थीगण यहाँ पर विराजमान हैं। सभी पाठ निरंतर करते रहते हैं और वेद पाठशाला चलती है, वैदिक पढ़ते हैं और इनकी कोई शुल्क भी नहीं है, निःशुल्क वेद पाठशाला चलती है। कितने बच्चे हैं वर्तमान में? अभी वर्तमान में अपने पास में 10 विद्यार्थी हैं। जिले में कहीं और भी ऐसी पाठशाला चलाई जा रही है क्या? जिले में अपने पास में अभी एक ही शाखा है और एक ही यहाँ पर मनसापूर्ण मनकामनेश्वर वैदिक पाठशाला एक ही चलती है। अभी हमारे जो पढ़ाई है ज्योतिष की एवं वेद से हमने आचार्य किया एवं व्याकरण से हमने शास्त्रीय किया, ज्योतिष से हमने आचार्य किया, वेद से हमने आचार्य किया एवं श्री महर्षि शांतिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान से हमने दीक्षांत की डिग्री भी प्राप्त करी है। नित्य कर्म प्रातःकाल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे प्रातःकाल होते ही बच्चे उनको उठा दिया जाता है। उठ करके नित्य रोजाना स्नान करने के बाद में संध्या वंदन किया जाता है। दूध पीने के बाद में फिर क्लास चलती है, इंग्लिश की भी चलती है, हिंदी की चलती है, साहित्य की चलती है, ज्योतिष की चलती है, वेद की एवं सभी क्लासें भी चलती है। 8 बजे से लगा करके 12 बजे तक इनकी क्लास चलती है और इसी बीच में भगवान जी की आरती भी की जाती है। 12 बजे बाद में भोजन करते हैं, भोजन करने के तत्पश्चात में अपने स्कूल में भी जाते हैं, स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं, विद्यालय की पढ़ाई भी कर रहे हैं। उसके बाद में फिर सायंकाल के समय फिर अपने नित्य नियम से स्नान वगैरह करना, संध्या वंदन करना, प्रातःकाल में संध्या वंदन करना, इसके बाद में रात्रिकालीन में भी भगवान जी की आरती होने के तत्पश्चात में भोजन ग्रहण करने के बाद में फिर रात्रि में 10 बजे तक इनकी क्लासें चलती है और साहित्य एवं संस्कृत की पाठशाला ही चलती है।